पहला चरित्र हमारा पसंदीदा है। यह एक नीली रोबोट बिल्ली है जो हमेशा नोबिता की मदद करती है। आइए सुनते हैं उसकी आवाज। अरे नोबिता तुम आ गए। क्या यह ए नोबिता है या यह बी शिजुका या सी डोरेमोन या डी सुनियो? बिल्कुल सही, यह है डोरेमोन। वह हमेशा नोबिता की मदद के लिए नए नए गैजेट्स लेकर आता है। अगला किरदार एक लड़का है जो हमेशा मुसीबत में फंस जाता है और डोरेमोन की मदद लेता है। आइए सुनते हैं उसकी आवाज। आज मैं अपना सारा होमवर्क पूरा करूंगा और कल सर से माफ़ी मांग लूंगा। क्या यह ए जियान है या यह बी शिजुका या सी डोरेमोन या डी नोबिता है? आपने सही पहचाना, यह है नोबिता। वह हमेशा डोरेमोन की सहायता के लिए बुलाता है। यह किरदार एक प्यारी और समझदार लड़की है जो नोबिता की दोस्त है। आइए सुनते हैं उसकी आवाज। मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या यह ए जियान है या यह बी डोरेमोन या सी शिजुका या डी नोबिता है? सही जवाब, यह है शिजुका। वह हमेशा अपने दोस्तों का ख्याल रखती है। यह किरदार अपने ताकत, बेसुरा गाना गाने और गुस्से के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं उसकी आवाज। नोबिता जल्दी से बॉल वापस फेंको। क्या यह ए सुनियो है या यह बी जियान या सी शिजुका या डी नोबिता है? बिल्कुल सही, यह है जियान। वह अक्सर अपने दोस्तों को परेशान करता है। यह किरदार जियान का दोस्त है और अपने अमीर परिवार के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं उसकी आवाज। क्या तुमने सुना नहीं नोबिता? क्या यह ए सुनियो है या यह बी जियान या सी शिजुका या डी नोबिता है? आपने सही पहचाना, यह है सुनियो। वह हमेशा अपने दोस्तों को अपने नए खिलौनों के बारे में दिखाता है।